गाइज आज हम क्रिएट करने वाले हैं इस तरह की न्यू 3D सोशल मीडिया ए इमेजेस जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं। ये क्रिएटिव इमेजेस को देख सकते हो जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं विद मॉडल कैरेक्टर और आप इस कैरेक्टर के हुडी पे अपना नाम डालकर इजिली इमेजेस जनरेट करा सकते हो। और ये एक ही टाइप की इमेज नहीं बल्कि अलग अलग इमेजेस के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट है और उन तीनों प्रॉम्प्ट से मैंने इस तरह की 3 टाइप की इमेज जनरेट कराए हैं। सो इस तरीके से अलग अलग इमेज क्रिएट करने के लिए जो तीनों प्रॉम्प्ट है वो आपको मिल जाएंगे बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नहीं मिलेंगे बल्कि ये सारे प्रॉम्प्ट इजिली वन क्लिक में ले सकते हो। प्रॉम्प्ट को कैसे ले सकते हो मैं आपको वीडियो पे बताऊं एंड आप चाहो तो इन पिक्चर पे अपना फोटो डालकर अपने फेस के साथ अपनी खुद की कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। सो कैसे करनी है मैंने इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं, इसीलिए आज के समझने के वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहना। तो मैं आ चुका हूँ बिंग एआई जनरेटर टूल पे। ये टूल पे कैसे आना है मैं आपको आगे बताऊंगा एंड सबसे पहले आपको मैं इस तरीके से इमेज जनरेट करके बताऊंगा एंड इसके लिए फर्स्ट प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। तो इस तरीके से इमेजेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे क्लिक हियर टू कॉपी को प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप डायरेक्टली बिंग एआई जनरेटर टूल पे आ जाओगे एंड जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। तो ये वाली सीक्रेट साइट कौन सी है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जिसमें आपको तीनों प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे बट यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप तीनों इमेजेस क्रिएट करके बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ चुका है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है दीपक, उसे आपको हटाकर अपना नाम लिख लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्रिसु डाल देता हूँ। यहाँ पे नेम चेंज करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट बटन को प्रेस करो, यहाँ पे क्रिएटिंग होना शुरू हो जाएगी और ये लगभग टाइम लेगी 5 से 10 सेकंड, देन आपके लिए आपके नेम की पिक्चर जनरेट करके दे देगी। सो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो इमेज जनरेट होके आ गई है। 4 इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको वन बाय वन ओपन करके दिखा देता हूँ। सो हमने नेम पे एंटर करा था क्रिसु, इन चारों इमेजेस पे नेम परफेक्टली आई होगी तो यहाँ से मैं इमेज को सेव कर लूंगा। यहाँ से आप इमेज को डायरेक्टली सेव कर सकते हो, वाटर मार्क वगैरह नहीं आएंगे। सो इसी प्रॉम्प्ट से आपको दूसरे नेम से इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं केशव लिख देता हूँ, किसी भाई ने कमेंट करा था। सो आप भी हमारे वीडियो पे कमेंट कर दिया करो आपका नेम ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम से इमेज जनरेट करा जाए एंड मैं जितने सारे आपके नेम से इमेज जनरेट करता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना एंड वहाँ से आप HD क्वालिटी में ये इमेजेस ले सकते हो क्योंकि आपको भी पता है ये एआई जनरेटर टूल है सेम टू सेम इमेज जनरेट करके नहीं देती है एंड अगर आपको मेरी वाली इमेज सही लगती है आपके नेम से इमेज तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। सो यहाँ पे हमने केशव नाम से इमेज जनरेट कराया था एंड ये बहुत सही से इमेज जनरेट हो गया है, आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल एक न्यू क्रिएटिव इमेजेस है जिसमें सोशल मीडिया आइकॉन्स है स्नैपचैट फेसबुक सब यहाँ पे मिल जाएंगे, दिखने में भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कराया जिसे हमें अपने नेम से इस तरीके से इमेजेस मिल गए हैं। नाउ मैं ट्राई करके दिखाता हूँ सेकंड प्रॉम्प्ट को जिसमें आपको रेड हुडी की जगह में ग्रे हुडी होगी और बैकग्राउंड में स्मोक के कलर भी चेंज होंगे। तो आप देख सकते हो ये सारे इमेजेस है सेकंड प्रॉम्प्ट की। सिंपली आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू कॉपी को प्रेस करना है, यहाँ फिर से ये जनरेटर टूल ओपन होगी और यहाँ पे भी आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा, उसे आपको हटा लेना है उसके जगह आपको अपना नाम लिखना है या फिर आप अपना फ्रेंड या फिर जिसका भी नेम से इमेज जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम हटाकर और यहाँ पे क्रिएट बटन को प्रेस करके इमेज जनरेट कराने के लिए भेज देता हूँ। सो यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देखेंगे इस प्रॉम्प्ट से किस टाइप की इमेज जनरेट होके आ जाती है। सो नाउ देख सकते हो इमेज जनरेट होके आ गई है, हमने नेम डाला था एंड यहाँ पे नेम परफेक्टली तो आ गई है एंड जो आप इमेजेस को देख सकते हो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है पहले प्रॉम्प्ट से। फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे रेड हुडी थी एंड स्मोक का भी कलर अलग था और ये बिल्कुल अलग टाइप की इमेज जनरेट हो गई है। तो चारों इमेजेस में आपको एक ही दो पिक्चर अच्छे लग रहे हैं तो उसे सेव कर सकते हो एंड अगर आपका नेम परफेक्टली जनरेट होके नहीं आ पा रही है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट बटन को फिर से प्रेस करना है जिससे नेक्स्ट टाइम में आपको 100% आपकी नेम परफेक्टली जनरेट करके दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड ट्राई में यहाँ पे नेम परफेक्टली आ चुकी है एंड इन इमेजेस को भी मैं सेव कर लेता हूँ। सो आपने देखा यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट से कुछ इस तरीके से इमेज जनरेट होके आई थी जो कि ये भी बहुत ही सही लग रही है एंड चलिए आपको मैं थर्ड प्रॉम्प्ट को अप्लाई करके दिखाता हूँ क्योंकि इस प्रॉम्प्ट से आपको जिस तरीके से कलरफुल हुडी एंड कलरफुल स्मोक से इमेज जनरेट कराकर एक यूनिक इमेज जनरेट करा सकते हो, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉम्प्ट से कुछ अलग प्रॉम्प्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है क्रिएटिव सोशल मीडिया वाली बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से क्लिक हियर टू कॉपी को प्रेस करा एंड ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको मैं थोड़ी सेकंड बाद बताने वाला हूँ। ये लास्ट वाली प्रॉम्प्ट से मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा है दीपक उसे मैं हटाकर नीतीश लिख देता हूँ जो कि आप में से किसी का नाम था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो मेरे पास नेम की कमी हो जा रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम से इमेज जनरेट करके दे दूंगा। तो यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इमेज जनरेट होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे नेम परफेक्टली एंड कैसे टाइप की इमेज जनरेट हो गया रहती है। सो नाउ आप देख सकते हो इमेज जनरेट हो गई है एंड मैंने कि जैसे कि बोला था ये थर्ड वाली प्रॉम्प्ट कलरफुल प्रॉम्प्ट है जो कि थोड़ी सी यूनिक है। तो इनमें से आप पिक्चर को देख लेना एंड जो पिक्चर आपको सही लगती है आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हो। इसी प्रॉम्प्ट को आपको मैं दूसरे नेम से ट्राई करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम को हटाकर साहिल लिखकर इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ एंड उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे जनरेटर टूल पे जाना है
है एंड और ये सारे प्रॉम्प्ट के ऑप्शन कैसे मिलेंगे। सो अब देख सकते हो साहिल नेम से इमेज जनरेट होके आ गई है और साहिल नेम से भी इमेज बहुत ही परफेक्टली इमेज जनरेट हो गया है एंड जो पिक्चर यहाँ पे सही लगते हैं वो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। और हाँ, एक और क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बॉयज की जगह पे गर्ल्स के लिए इमेज जनरेट कराना है तो आपको सिंपली चेंज करना है 25 ईयर लिखा है उसे आपको 20 ईयर लिखना है और ओल्ड इंडियन क्यूट बॉय लिखा है उसे आपको क्यूट गर्ल लिख देना है ओल्ड को हटाकर और यहाँ पे अपने हिसाब से हुडी का कलर लिख सकते हो और नेम को चेंज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए निशा लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है एंड देखेंगे यहाँ पे गर्ल्स के लिए इमेज जनरेट होकर आ रही है नहीं। सो नाउ देख सकते हो गर्ल्स के लिए भी इमेज जनरेट होगी आ गई है। तो इस तरीके से आप गर्ल्स के लिए भी इमेज जनरेट करा सकते हो। मैंने 3 प्रॉम्प्ट दिए हैं उसमें गर्ल्स के लिए प्रॉम्प्ट नहीं है क्योंकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर गर्ल्स के लिए तो इमेज जनरेट करा सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूँ ये तीनों प्रॉम्प्ट्स कैसे मिलेंगे, कैसे कॉपी कर सकते हो या फिर मेरे तरह बटन को प्रेस करके बिना कॉपी पेस्ट करे इमेज जनरेट करा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आ जाना है मतलब ब्राउजर को ओपन करके या फिर डायरेक्टली ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो अपना एडिट, ये लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है एंड फर्स्ट में एक साइट देखने को मिलेगी अपना एडिट लिखा है। सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन को ओपन करके मेनू को टैप करना है, नई फोटो एडिटिंग को प्रेस करके यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिलती है बाय चांस क्योंकि न्यू पोस्ट है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर ये पुराने हो जाएंगे तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ में चले जाएंगे। उससे बेटर यहाँ पे सर्च आइकन को प्रेस करके क्रिएटिव सोशल मीडिया ए इमेजेस प्रॉम्प्ट लिख के सर्च कर दो, जो स्क्रीन में दिख रहा है उसे आपको लिख के सर्च कर देना है एंड फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे ये वाली प्रॉम्प्ट। सिंपली आपको उसे ओपन करना है एंड आप नीचे आ जाओगे एंड नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट 1, 2, 3 करके यहाँ पे तीनों प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आप ए जनरेटर टूल पे जाके पेस्ट करके इमेज जनरेट करा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप फोटो के नीचे में देख सकते हो ये ऑप्शन मिलेगी क्लिक हियर टू कॉपी वाली, आप उसे प्रेस करना, ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें डायरेक्टली ए जनरेटर टूल पे आ जाएगी। बिना पेस्ट करे आप यहाँ पे अपना नेम को सिर्फ चेंज कर देना, आप अपने लिए इमेज जनरेट करा सकते हो। और हाँ, मैंने जैसे कि इंट्रो पे बोला था कि इन इमेजेस पे अपना फोटो डालकर कैसे फेस स्वैप करा सकते हो, तो आप इसी पोस्ट के नीचे में देखोगे ये वाली टूल देखने को मिलेगी, इस तरीके से आप फेस स्वैप करा सकते हो इस टूल पे जाके। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप ये वाली वीडियो को टैप करके, फेस स्वैप के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर रखा है इस वीडियो को टैप करके देख लेना जिसमें आप जितना चाहो इन पिक्चर्स पे अपना फोटो डालकर स्वैप करा सकते हो। सो आई होप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।